नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल अपन ने राजस्थान जीके में कला संस्कृति की बात की थी और कला संस्कृति में अपन ने त्यौहार नामक टॉपिक लिया था और त्यौहारों में मैंने पार्ट वन का पूरा वीडियो डाल दिया है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देखें और उसके बाद अपन आज चर्चा करेंगे पार्ट टू की त्यौहार में। ठीक है, कल मैं अपन ने चर्चा की थी कि विक्रम संवत के बारे में चर्चा की थी जिसमें कितने महीने होते हैं, कौन कौन से महीने होते हैं उनकी चर्चा की थी। साथ ही साथ इनके अलावा शक संवत, गुप्त संवत और हिजिर संवत की भी चर्चा की थी और मैंने चैत्र महीने के सारे त्योहारों की चर्चा कर दी थी। ठीक है, और आज अपन जो चर्चा करेंगे वो दूसरे महीने की चर्चा करेंगे और वो महीना कौन सा होगा? वैशाख माह। कौन सा महीना? वैशाख माह। और आपको याद रखना है जो वैशाख माह है वो वैशाख माह कब से कब तक आता है, तो मैंने आपको बताया था चैत्र महीना आता है मार्च से लेकर अप्रैल तक और वैशाख महीना आता है अप्रैल से लेकर कहां तक आता है? मई तक। मार्च से अप्रैल तक आता है चैत्र और अप्रैल से लेकर मई तक आता है कौन सा? वैशाख महीना। वैशाख महीने में तीन त्यौहार है, उन तीनों त्योहारों की चर्चा करते हैं और इस त्योहारों की चर्चा करने से पहले अपन इसकी ट्रिक लिखते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है वैशाख में नशे से बुद्धि क्षय होती है। क्या होती है? क्षय होती है। अपने क्या देखा कि वैशाख में नशे से बुद्धि क्या होती है? क्षय होती है। ये ट्रिक है किस महीने की? वैशाख महीने की। तीन त्यौहार है, ज्यादा आपको ध्यान रखना नहीं है, तीन त्यौहार है। देखिए वैशाख से क्या बनेगा तो आप सभी को पता है, वैशाख से बनेगा कौन सा महीना? वैशाख महीना। ठीक है, नशे से एक त्यौहार बनेगा जिसे अपन कहते हैं नरसिंह जयंती। क्या बोलते हैं? नरसिंह जयंती। नरसिंह जयंती के कब मनाई जाती है तो आपको याद रखना है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अपन कौन सा त्यौहार मनाते हैं? नरसिंह जयंती त्यौहार मनाते हैं और इस दिन हम भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करते हैं। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु का जो शरीर था, जो धड़ था वो तो मानव का था और उनका सिर जो था वो शेर का था, सिंह का था, वो नरसिंह अवतार कहलाया और नरसिंह जयंती अपन मनाते हैं कब? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को और ये नशे से क्या बनेगा? नरसिंह जयंती। ठीक है, बुद्धि से आपको याद रखना है, बुद्धि से बनेगा बुद्ध पूर्णिमा। बुद्धि से क्या बनेगा आपको याद रखना है? बुद्धि से बनेगा बुद्ध पूर्णिमा। और आप सभी को पता है कि महीने का सबसे अंतिम दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा होता है, तो बुद्धि से क्या बन जाएगा? बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, और अब एक और त्यौहार बचा है क्षय। क्षय से आपको याद रखना है कौन से त्यौहार की बात हो गई, तो क्षय किससे हो गई? अक्षय तृतीया। आप सभी को पता है राजस्थान में जो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं या सर्वाधिक जो विवाह होते हैं वो कब होते हैं? अक्षय तृतीया को होते हैं। और अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है तो आपको याद रखना है शुक्ल पक्ष की तृतीया को। शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाते हैं अपन? अक्षय तृतीया। ठीक है, अपन ने क्या देखा, वैशाख महीना जो आता है आधे अप्रैल से मई तक आता है। इसकी ट्रिक अपन याद करने की क्या करेंगे, वैशाख में नशे से बुद्धि क्षय होती है, नशे से नरसिंह जयंती शुक्ल चौदस को मनाती है और बुद्धि से बुद्ध पूर्णिमा जिसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन पीपल की पूजा भी की जाती है, चर्चा करेंगे अपन। और क्षय से क्या बनेगा? अक्षय तृतीया, जो कि कब आती है? अक्षय तृतीया आती है शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, ये तो अपन ने इन त्योहारों के बारे में बात की। साथ ही साथ आपको याद रखना है मैंने वैशाख महीने के एक त्योहार की चर्चा इससे पहले ही कर दी थी कल वाले वीडियो में। ठीक है, उसमें मैंने गणगौर के बारे में जब आपको बताया था तो मैंने चार प्रकार की गणगौर बताई थी, एक तो गणगौर और एक जैसलमेर की गणगौर बताई थी, एक गुलाबी गणगौर बताई थी और उसमें एक बताई थी जो गणगौर थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। कौन सी वाली गणगौर? तो मैंने आपको बताया था गिंगा गंवर, गिंगा गंवर बेतवार, गिंगा गंवर बेतवार गणगौर। और मैंने आपको बताया था कि गिंगा गंवर बेतवार जो गणगौर मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है, तो वैशाख शुक्ल कृष्ण
तृतीया को मनाई जाती है। ये अपन ने कल ही चर्चा कर ली थी कि गिंगा गंवर बेतमार जो गणगौर मनाई जाती है वो मारवाड़ में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? मारवाड़ में। और मारवाड़ में कब मनाई जाती है? तो वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और बाकी सारी जो गणगौर है, गुलाबी गणगौर, जैसलमेर की गणगौर और बाकी की गणगौर है, वो कब मनाते हैं? तो अपन चैत्र महीने में ही मनाते हैं। लेकिन ये गणगौर कब मनाई जाती है? वैशाख महीने में। फिर प्रश्न आता है कि ये जो गिंगा गंवर बेतमार गणगौर है, इसकी शुरुआत मारवाड़ के किस शासक के कार्यकाल में हुई? तो आपको याद रखना है, अमर सिंह के काल में। किसके कार्यकाल में हुई? अमर सिंह के कार्यकाल में गिंगा गंवर बेतमार गणगौर की शुरुआत हुई। ठीक है, अमर सिंह के काल में। ठीक है, तो एक त्यौहार तो अपन ने चर्चा पहले ही कर ली थी और बाकी तीनों त्योहारों की चर्चा अपन करते हैं। और अब अपन लेते हैं किस त्यौहार के बारे में? अक्षय तृतीया के बारे में। देखिए, अब अपन किसके बारे में ले रहे हैं? अक्षय तृतीया के बारे में। देखिए, अब दूसरा त्यौहार आता है अक्षय तृतीया। देखिए, अक्षय तृतीया के बारे में पहला प्रश्न तो ये बनता है कि ये अक्षय तृतीया मनाई कब जाती है? तो आपको याद रखना है, ये मनाई जाती है वैशाख और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। तो आपको याद रखना शुक्ल पक्ष, क्योंकि कृष्ण पक्ष का तो एक ही त्यौहार है। वैशाख शुक्ल तृतीया को हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? हम मनाते हैं अक्षय तृतीया। ठीक है, और ये होता है अबूझ सावे का दिन। कौन सा? अबूझ सावे। अबूझ सावे का मतलब होता है कि इस दिन बिना मुहूर्त के आप शादी करवा सकते हो। ये अबूझ सावे होते हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? तो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं कहाँ पर? अक्षय तृतीया के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह, एक बात तो ये ध्यान रखनी है, और एक इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है इस दिन क्या क्या चीजें पूजी जाती है। तो याद रखना, पूज्य प्रतीक इस दिन क्या क्या है? पूज्य प्रतीक, तो इस दिन पूजा की जाती है, एक तो सात अन्नों की पूजा की जाती है और साथ ही साथ हल की भी पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? हल की, और सात अन्नों की भी पूजा की जाती है। याद रखना, हल षष्ठी को भी हल की पूजा की जाती है और अक्षय तृतीया को भी किसकी पूजा की जाती है? हल की पूजा की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इस दिन हल के अलावा लक्ष्मी और नारायण की पूजा की भी की जाती है। लक्ष्मी और नारायण की पूजा, लक्ष्मी और नारायण की पूजा भी इसी दिन की जाती है। ठीक है, साथ ही साथ इसके दिन ध्यान रखना है, इसी दिन आपको याद रखना है सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। सतयुग व त्रेता युग की जो शुरुआत हुई थी वो इसी दिन हुई थी। कब हुई थी? सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत कब हुई थी? तो अपन कह सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। इस दिन अबूझ सावे होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, साथ ही साथ इस दिन पूजे जाते हैं, सात अन्य पूजे जाते हैं और हल पूजा जाता है और लक्ष्मी और नारायण की भी पूजा होती है और सतयुग और त्रेतायुग की शुरुआत भी इसी दिन हुई है। साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इसी दिन आपको याद रखना है बीकानेर की स्थापना हुई थी। बीकानेर की स्थापना सन 1488 में, बीकानेर की स्थापना सन 1488 में राव बीका के द्वारा स्थापना की गई थी इसकी। और कब की गई थी? सन 1488 में। और 1488 में किस दिन शुरुआत हुई? तो अपन कह सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन शुरुआत हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है बीकानेर के? तो आपको याद रखना है, बीकानेर के संस्थापक है राव बीका। कौन है? राव बीका, राव बीका। ठीक है, तो अपन ने क्या बात की? बीकानेर के संस्थापक के बारे में देखा। और अब इसके अलावा याद रखना है, इस दिन हम खींच और खाने के पदार्थ बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? तो याद रखना, खींच व गलवानी। खींच और गलवानी ये खाद्य पदार्थ होते हैं, ये भी अपन बनाते हैं। खींच व गलवानी भी इसी दिन बनाते हैं। खींच और गलवानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो इसी दिन बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी चर्चा हो गई? अक्षय तृतीया की। ठीक है, वापस देख लेते हैं अपन।
अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, इस दिन अबूझ सावे होते हैं, सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो कब होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन होते हैं, और साथ ही साथ इस दिन पूज्य प्रतीक क्या होते हैं, सात अन्न और हल पूज्य प्रतीक होते हैं, इस दिन लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाती है, इसके अलावा इस दिन सतयुग और त्रेतायुग की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी और राव बीकानेर सन 1488 में बीकानेर की स्थापना भी इसी दिन की थी, और इसके अलावा अपन खाद्य पदार्थों के रूप में खींच और गलवानी खाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने किसकी चर्चा कर ली, ये अपन ने चर्चा कर ली अक्षय तृतीया की। ठीक है, और अब जो दो त्यौहार और बचते हैं इसमें वैशाख में, एक तो बुद्ध पूर्णिमा और एक नरसिंह जयंती, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, अब आती है बुद्ध पूर्णिमा, तीसरा है नरसिंह जयंती, पहले नरसिंह जयंती, नरसिंह जयंती। अब ये नरसिंह जयंती कब मनाई जाती है, तो अपन कह सकते हैं कि नरसिंह जयंती मनाई जाती है वैशाख शुक्ल चौदस को मनाई जाती है, जिसे अपन कह सकते हैं चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, चतुर वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को अपन कौन सा त्यौहार मनाते हैं, नरसिंह जयंती मनाते हैं, और इस दिन क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा होती है, किसकी, विष्णु के नरसिंह, नरसिंह अवतार की पूजा, विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा होती है। ठीक है, नरसिंह अवतार की क्या होती है, पूजा। ठीक है, एक तो अपन ने देखा है किसके बारे में, अक्षय तृतीया के बारे में, और फिर अपन ने देखा नरसिंह जयंती के बारे में, और इस महीने का एक लास्ट त्यौहार है जिसे अपन कहते हैं, कौन सा त्यौहार कहते हैं अपन, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, और इसी दिन आपको याद रखना है, इसी दिन को अपन पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पीपल पूर्णिमा। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कब मनाई जाती है, तो अपन कह सकते हैं वैशाख पूर्णिमा को बनाते हैं, कब बनाते हैं, वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि वैशाख पूर्णिमा को अपन बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा मनाते हैं, और इस दिन किसका जन्मदिन है, तो आपको याद रखना है इस दिन जन्मदिन है गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जन्मदिन भी इसी दिन है और गौतम बुद्ध का निर्वाण भी इसी दिन है, यानी कि मृत्यु भी कब हुई, इसी दिन हुई, गौतम बुद्ध का जन्मदिन व निर्वाण, गौतम बुद्ध का जन्मदिन व निर्वाण भी अपन कह सकते हैं कब हुई थी, इसी दिन हुई थी। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इस दिन गराशियों का एक मेला भरता है माउंट आबू में, और मातृकुंडिया का मेला भरता है कहाँ पर, राशमी में, तो इस दिन दो मेले भरते हैं, उनके बारे में भी अपने को चर्चा करनी है, मेले कितने भरते हैं इस दिन, दो, कौन कौन से मेले, तो अपन कह सकते हैं एक तो मेला भरता है गराशियों का मेला, ग्रासियों का मेला भरता है, और ग्रासियों का मेला कहाँ भरता है, ग्रासियों का मेला कहाँ भरता है, तो अपन कह सकते हैं ग्रासियों का मेला भरेगा माउंट आबू, माउंट आबू, ग्रासियों का मेला माउंट आबू में भरता है, और साथ ही साथ एक मेला और भरता है राशमी में, और कौन सा मेला, मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला, और मातृकुंडिया मेला कहाँ बढ़ता है, तो ये बढ़ता है राशमी में, कहाँ बढ़ता है, राशमी, और राशमी कहाँ पर है, आप सभी को पता है राशमी है चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो अपन ने देखा बुद्ध पूर्णिमा, और इसी को कहते हैं अपन पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा के दिन ये कब मनाई जाती है, तो वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है, साथ ही साथ इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था और निर्वाण भी हुआ था, इस दिन दो मेले भरते हैं, एक तो गराशियों का मेला भरता है जो कि माउंट आबू में भरता है, और एक मातृकुंडिया का मेला भरता है जो कि कहाँ भरता है, राशमी में भरता है। साथ ही साथ इस दिन एक बात और होती है, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं अपन। देखिए, अब इसके अलावा क्या चर्चा करनी है आपको, इस दिन आपको याद रखना है सन 1974 को आप सभी को पता है राजस्थान का, या अपन कह सकते हैं भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, वो भी इस दिन हुआ था, कब हुआ था, इस दिन,
भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था परमाणु परीक्षण, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है, इस दिन किसकी पूजा की जाती है? इस दिन पीपल की पूजा की जाती है। पीपल की पूजा क्यों की जाती है तो आपको याद रखना है, शास्त्रों के अनुसार जो पीपल का जो वृक्ष होता है, इस पीपल की जड़ों में कौन निवास करते हैं? तो इस पीपल की जड़ों में निवास करते हैं ब्रह्मा निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? पीपल की जड़ों में ब्रह्मा निवास करते हैं। इस पीपल के तने में अपन कह सकते हैं विष्णु निवास करते हैं, और इस पीपल की जो शाखाएं होती है, उन शाखाओं में अपन कह सकते हैं कौन शाखाओं में निवास करते हैं? शिव। शाखाओं में कौन निवास करते हैं? शिव। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपन पीपल की पूजा की पूजा करते हैं, और शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा निवास करते हैं, तने में विष्णु निवास करते हैं, और शाखाओं में कौन निवास करते हैं? शिव निवास करते हैं। इन तीनों को पूजने के लिए हम क्या करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा मनाते हैं, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं। देखिए, अपन ने वैशाख महीने की चर्चा की है, एक बार वापस देख लो। अपन ने वैशाख महीने की चर्चा की है, जिसमें चार त्योहारों की चर्चा की है। गींगा, गंवर, बेतमार, गणगौर कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन, ये मारवाड़ की प्रसिद्ध है। अक्षय तृतीया में अपन ने देखा था सर्वाधिक इसमें बाल विवाह होते हैं, और इसमें त्रेतायुग और सतयुग की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं नरसिंह जयंती के बारे में, नरसिंह जयंती में अपन कह सकते हैं विष्णु की पूजा की जाती है, या विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा, नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं बुद्ध पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी जाती है। इस दिन गौतम बुद्ध का जन्मदिन भी है, और पीपल वृक्ष की भी क्या होती है, पूजा होती है। अब अपन बात करते हैं तीसरे मई की, महान महीने की बात करते हैं, और तीसरा महीना कौन सा है? तो अपन कह सकते हैं ज्येष्ठ। तीसरा महीना कौन सा है? तो तीसरा महीना अपन कह सकते हैं ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माह। और ज्येष्ठ माह कब आएगा तो अपन कह सकते हैं, देखिए चैत्र महीना कब आया था? मार्च अप्रैल। वैशाख कब आया था? अप्रैल मई। तो ये कब आएगा? मई से लेकर जून। मई से लेकर कब? जून, ठीक है। अब देखिए, इसको याद करने, इसमें जितने भी त्योहार हैं उन त्योहारों को याद करने के लिए अपन छोटी सी ट्रिक अपनाते हैं, और ट्रिक क्या है देखिए, जेठ को देख, जेठ को देख बड़ली गंगा, बड़ली गंगा निर्लज हो गई, निर्जल हो गई। जैसे अपन मानते हैं, देखिए जैसे अपन कह सकते हैं कि मान लो कोई निर्जला बड़ली गंगा नामक कोई लड़की है, और उसने अपने जेठ को देख लिया, लेकिन उसने घूंघट नहीं निकाला, तो वो क्या हो गई? निर्लज हो गई। अपन कह सकते हैं इस हिसाब से अपन ट्रिक बनाते हैं, जेठ को देख बड़ली गंगा क्या हो गई? निर्लज हो गई। देखिए, जेठ से आप समझ गए होंगे कि अपन किस त्यौहार की बात कर रहे हैं। जेठ से अपन त्यौहार की बात कर रहे हैं, कौन से महीने की बात कर रहे हैं, तो वो महीना कौन सा है? महीना है ज्येष्ठ माह। देखिए फिर बड़ली से क्या बनेगा, तो अपन कह सकते हैं बड़ली अमावस, बड़ली अमावस। बड़ली से क्या बनेगा? बड़ली से बनेगा बड़ली अमावस, ठीक है। बड़ली से बनेगा बड़ली अमावस। और ये कब मनाई जाएगी, तो अपन कह सकते हैं ज्येष्ठ महीने की जो अमावस्या होगी, इस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा? बड़ली अमावस, ठीक है। गंगा से क्या होगा, तो आपको याद रखना है गंगा से एक और त्यौहार मनाएंगे अपन, गंगा से एक और त्यौहार बनाएंगे जिसे अपन कहते हैं गंगा दशहरा, दशहरा। देखिए दशहरा पर मनाते हैं अपन अश्विन शुक्ल दशमी के दिन, ठीक है। लेकिन ये कौन सा दशहरा है? गंगा दशहरा। इस दिन क्या हुआ था, गंगा धरती पर आई थी, जो गंगा नदी है वो धरती पर आई थी शास्त्रों के अनुसार, और इसी दिन अपन गंगा दशहरा मनाते हैं। और ये कब आएगा, तो ये आपको याद रखना शुक्ल पक्ष, क्योंकि अमावस के बाद शुक्ल ही आएगा, और शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन कौन सा त्यौहार मनाएंगे अपन? गंगा दशहरा, ठीक है। बड़ली से बनेगा बड़ली अमावस, जो कि अमावस्या के दिन मनाई जाएगी, और गंगा से होगा गंगा दशहरा, जो कि शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाएगा। और निर्जल से आपको याद रखना है निर्जला ग्यारस,
आप सभी को पता होगा इस दिन बिना पानी पिए क्या किया जाता है, व्रत किया जाता है, ठीक है, निर्जला ग्यारस, ठीक है। और ये कब मनाई जाती है, तो शुक्ल पक्ष में। अपन कह सकते हैं सामान्यतः जो ग्यारस के जो त्यौहार आते हैं वो हमेशा या सामान्यतः अपन कह सकते हैं कौन से पक्ष में आएंगे, शुक्ल पक्ष में। ग्यारस के जो त्यौहार आएंगे वो कौन से पक्ष में आएंगे, शुक्ल पक्ष में, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा त्यौहार नहीं है, इसमें केवल तीन त्यौहारों की बात की गई है जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए अब अपन चर्चा करना है किसकी, पहले सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं बड़ली अमावस। बड़ली अमावस, बड़ली अमावस और जो बड़ली अमावस है इसे अपन एक नाम से और जानते हैं, इसे सोमवती अमावस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सोमवती अमावस। और इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे वट सावित्री व्रत भी कहते हैं, सावित्री व्रत। इसे वट सावित्री व्रत भी क्या कहा जाता है, बड़ली अमावस को कहा जाता है, ठीक है। अब अपन किसकी चर्चा करेंगे, बड़ली अमावस की चर्चा करेंगे। देखिए पहले तो ये देखना है कि बड़ली अमावस कब मनाई जाती है, तो अपने को पता है कि बड़ली अमावस कब मनाई जाती है, ये मनाई जाती है ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को। कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, ज्येष्ठ महीने के अमावस को मनाते हैं। और आपको याद रखना है इस दिन किसकी पूजा की जाती है, तो याद रखना इस दिन पूजा की जाती है किसकी, वट वृक्ष की, या वट वृक्ष जिसे अपन क्या कहते हैं, बरला कहते हैं या बड़ला कहते हैं, इस बड़ले नामक वृक्ष की क्या होती है, पूजा होती है, ठीक है। अब प्रश्न आता है इस दिन जो वट सावित्री जो व्रत किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक है, अखंड सौभाग्य व्रत किया जाता है। देखिए विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है वो किया जाता है पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत करती है वो अच्छे पति पाने के लिए कुंवारी कन्याएं क्या करती है, व्रत करती है। कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत करती है अच्छे पति के लिए, कुंवारी कन्याएं व्रत करती है अच्छे वर के लिए। तो दोस्तों अपन ने देखा है बड़ली अमावस में क्या देखा कि इस दिन सोमवती अमावस भी मनाई जाती है, और इस दिन अपन कह सकते हैं कि वट सावित्री व्रत भी किया जाता है। ये कब होती आती है, तो ज्येष्ठ अमावस्या को आती है, इस दिन वट वृक्ष की या बड़ली की पूजा होती है। और इस दिन विवाहित महिलाएं क्या करती है, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इस दिन कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे वर के लिए भी क्या करती है, व्रत करती है। तो इस दिन अपन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इस दिन क्या होता है कि एक मेला भरता है जो सहेरियों का मेला होता है, और सहेरियों का मेला कहाँ भरता है, तो सीताबाड़ी बारा में। सहेरियों का मेला कहाँ भरता है सीताबाड़ी में भरता है। और सीताबाड़ी कहाँ पर है, तो सीताबाड़ी है बारा में। और इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सीताबाड़ी बारा में राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण और सीता का मंदिर है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण व सीता मंदिर कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, आप कह सकते हैं कि वो सीता मंदिर है सीताबाड़ी बारा में, लक्ष्मण और सीता मंदिर, ठीक है। तो अपन ने किसकी चर्चा कर ली है, बड़ली अमावस की, जो ज्येष्ठ अमावस्या का दिन मनाई जाती है, और इस दिन वट वृक्ष या बड़ले की पूजा की जाती है, विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती है, और सहरियों का जो मेला भरता है वो सीताबाड़ी में भरता है, सहरिया जनजाति है राजस्थान में पाई जाती है, और सीताबाड़ी कहाँ पर है, तो बारा में। और यहीं पर बारा में ही राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण और सीता मंदिर है। और अब अपन चर्चा करेंगे
कौन से व्रत की या कौन से त्यौहार की, तो अपन ने बड़ली मास देख लिया है, अब दो त्यौहार और बचे हैं, गंगा दशहरा और निर्जला ग्यारस। अब अपन चर्चा करेंगे किसकी, गंगा दशहरा की। दूसरा त्यौहार है गंगा दशहरा, गंगा दशहरा। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, तो अपन कह सकते हैं गंगा दशहरा मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन, ठीक है। और इस दिन क्या हुआ था, किस उपलक्ष में मनाते हैं अपन, इस दिन गंगा को धरती पर लाया गया, गंगा को धरती पर, गंगा नदी को धरती पर लाया गया, ठीक है। और अब इसके इस जो ज्येष्ठ महीना है इसके लास्ट त्यौहार की बात करते हैं, तीसरा जो त्यौहार है वो कौन सा त्यौहार है, तो अपन कह सकते हैं निर्जला ग्यारस, निर्जला ग्यारस, और निर्जला ग्यारस कह सकते हैं या इसे निर्जला एकादशी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस दिन अपन कह सकते हैं ये कब मनाया जाता है, तो अपन कह सकते हैं ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपन ये त्यौहार मनाते हैं, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, ठीक है। देखिए इसके बारे में आपको याद रखना है कि निर्जला ग्यारस में अपन क्या करते हैं, बिना जल के जल के महत्व को बढ़ाने के लिए या जल के महत्व को समझने के लिए, ताकि आप जल को वेस्ट ना बहाए, उसके लिए अपन जून महीने में बिना जल के क्या करते हैं, व्रत करते हैं, बिना जल के व्रत करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको और भी ध्यान रखना है कि ये जो निर्जला ग्यारस होती है ये सबसे श्रेष्ठ ग्यारस होती है, सबसे श्रेष्ठ ग्यारस। अब सवाल ये बनता है कि ये सबसे श्रेष्ठ ग्यारस क्यों है, तो आपको याद रखना है अपने साल में टोटल 24 ग्यारस आती है, लेकिन अगर आपने निर्जला ग्यारस का व्रत कर लिया तो आपको 24 ही ग्यारसों का पुण्य मिलेगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि इस दिन व्रत करने पर 24 ग्यारसों का पुण्य मिलता है, 24 ग्यारसों का क्या मिलता है, पुण्य मिलता है, 24 ग्यारसों का क्या मिलता है, पुण्य मिलता है, ठीक है। तो अपन ने अभी किस किस की चर्चा की है एक बार वापस देख लेते हैं, अपन ने सबसे पहले तो चर्चा की है कौन से महीने की, वैशाख महीने की, और वैशाख महीने में मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 त्यौहार है, जिसमें पहला त्यौहार मैंने आपको बताया था गंगा गंवर बेतमार, दूसरा अपन ने अक्षय तृतीया के बारे में चर्चा की है, तीसरा अपन ने चर्चा की है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी वाला त्यौहार जो कि नरसिंह जयंती है, और इसके बाद अपन ने बुद्ध पूर्णिमा की चर्चा की है, और बुद्ध पूर्णिमा के बाद अपन ने ज्येष्ठ महीना लिया, और ज्येष्ठ महीने में अपन ने ट्रिक क्या देखी, ज्येष्ठ महीने की ट्रिक देखी अपन ने कि जेठ को देखकर बड़ली गंगा निर्लज हो गई, जिसमें अपन ने सबसे पहले बड़ली मास के बारे में देखा, फिर अपन ने गंगा दशहरे के बारे में देखा, और आखिरी में अपन ने निर्जला ग्यारस के बारे में देखा। और अब अपन कौन सा त्यौहार ले रहे हैं, आषाढ़, कौन सा त्यौहार आएगा, आषाढ़। देखिए आषाढ़ महीने का जो त्यौहार नहीं महीना आएगा, चौथा महीना आषाढ़, और आषाढ़ महीना कब आता है, तो आपको याद रखना है अपन ने देखा है कि जो ज्येष्ठ महीना है मई जून तक आ रहा है, तो अपन आषाढ़ महीने की बात करें जून जुलाई तक आएगा, कहां तक आएगा, जून से लेकर जुलाई तक चलेगा, जून से जुलाई, ठीक है। इस महीने में भी कुछ त्यौहार है जिनके अपन चर्चा करते हैं, सेम उसी प्रकार ट्रिक के माध्यम से उनकी चर्चा करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ग्यारह योगी रथ में बढ़ गया, ठीक है, ट्रिक ध्यान रखना। देखिए 11 योगी रथ में बढ़ गया, सोए देव
वामन गुरु उठे। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से अपने को सारे त्योहारों की आसानी से याद हो सकते हैं। क्या ट्रिक क्या है, 11 योगी रथ में बढ़ गया, सोए देव वामन गुरु उठे। देखिए इससे क्या होगा, देखिए सबसे पहले अपन त्योहारों की बात करते हैं। देखिए 11 योगी से क्या बनेगा, आसान ट्रिक है, 11 योगी रथ में बढ़ गया, सोए देव वामन गुरु उठे। देखिए 11 योगी से क्या होगा, योगिनी एकादशी, ठीक है, योगिनी एकादशी के बारे में आपको याद रखना है। योगिनी एकादशी के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये कब आएगी, तो ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है। कौन से पक्ष की एकादशी है, कृष्ण पक्ष की, ठीक है। कृष्ण ग्यारस को अपन योगिनी एकादशी मनाते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने योगिनी एकादशी का व्रत किया है तो आपके सारे पाप क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। रथ से आपको याद रखना है, रथ यात्रा निकलती है और रथ यात्रा की बात करेंगे अपन, और ये कब आएगी, तो शुक्ल पक्ष की। देखो कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, यहीं से अब आएगा शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की जो दूज के दिन कौन सी यात्रा निकलती है, रथ यात्रा। भड़गिया से आपको याद रखना है बड़ली नवमी, कौन सी त्योहार आएगा, बड़ली नवमी। आप सभी को पता है इस दिन आखिरी सावा होता है, ठीक है, क्योंकि इस दिन के बाद भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं, अपने देवता देवी देवता 4 महीने के लिए सो जाते हैं। तो बड़ली नवमी मनाई जाती है कब, तो आपको याद रखना है आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन। आषाढ़ बड़ली नवमी के से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि नवमी की बात हो रही है। आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन अपन कौन सा त्यौहार मनाते हैं, बड़ली नवमी त्यौहार मनाते हैं, और इस दिन आखिरी सभा होता है, और इस दिन के बाद देवता या अपने जो भगवान विष्णु होते हैं वो 4 महीने के लिए क्षीर सागर में जाकर सो जाते हैं, और वो अपन कह सकते हैं अगला त्यौहार जो आएगा सोए से अपन कह सकते हैं देव सयानी ग्यारस। देव सयानी ग्यारस कब आएगी, तो अपन कह सकते हैं शुक्ल पक्ष की ग्यारस को। देव सयानी ग्यारस से आप समझ ही गए होंगे कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, कि इस दिन क्या होगा, देवताएं जो देवी देवता होंगे वो 4 महीने के लिए क्या करेंगे, सो जाएंगे, और इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, ठीक है। और अब प्रश्न आता है वामन, तो आपको याद रखना है इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है, और ये कब होती है, तो शुक्ल पक्ष की 12 को, ठीक है, शुक्ल पक्ष की 11 को, देवसायनी 11 होती है, और शुक्ल पक्ष की जो 12 होती है उस दिन वामन अवतार की पूजा होती है। और गुरु से आपको याद रखना है गुरु पूर्णिमा, कौन सा, गुरु पूर्णिमा त्यौहार कब मनाया जाता है, तो अपन कह सकते हैं गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है आषाढ़ पूर्णिमा को, ठीक है। इस दिन व्यास पूर्णिमा भी मनाते हैं, ठीक है, महर्षि व्यास के याद में, या महर्षि व्यास के जन्मदिन के याद में अपन व्यास पूर्णिमा भी मनाते हैं, ठीक है। अब अपन करते हैं, देखिए वापस देख लेते हैं अपन, आषाढ़ से अपन त्योहारों की चर्चा कर रहे हैं आषाढ़ के बारे में, और आषाढ़ में देखो 11 योगी से बनेगा योगिनी एकादशी, रथ से बनेगा रथ यात्रा जो कि शुक्ल द्वितीया को मनाई जाएगी, बड़लिया से बनेगा बड़ली नवमी जो कि आखिरी सभा है, सोए से आपको याद रखना देव सयानी 11 है जो कि शुक्ल पक्ष की 11 को मनाई जाएगी, वामन से वामन देव की पूजा होगी जो कि कब होगी, 12 को, और गुरु से आपको याद रखना गुरु पूर्णिमा, गुरु से क्या याद रखना है, गुरु पूर्णिमा। और अब अपन चर्चा करेंगे किसकी, इन एक एक त्योहारों की चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे योगिनी एकादशी, इसमें पहला त्यौहार कौन सा है, योगिनी एकादशी। और योगिनी एकादशी के बारे में क्या बात करनी है, योगिनी एकादशी जो त्यौहार है वो आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इस दिन व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से सारे पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न आता है रथ यात्रा के बारे में, तो रथ यात्रा कब निकाली जाती है, तो रथ यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा निकाली जाएगी कब,
वैशाख या सॉरी आषाढ़ और आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा? रथ यात्रा, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करते हैं बड़ली नवमी के बारे में। बड़ली नवमी तीसरा त्यौहार आएगा, बड़ली नवमी। इस दिन आखिरी सभा होता है बड़ली नवमी, जो कि कब आता है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन। और अपन कह सकते हैं इस दिन आखिरी सभा होता है, आखिरी सभा, ठीक है। और इसके अलावा अपन ने कौन सा त्यौहार देखा स्ट्रिक्ट में? देवसयानी ग्यारस। अगला त्यौहार है देव सयानी ग्यारस, देव सयानी ग्यारस। और देव सयानी ग्यारस में अपन कह सकते हैं कि ये आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की ग्यारस को मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष की ग्यारस को मनाई जाती है। और इस दिन भगवान विष्णु चार माह के लिए क्षीर सागर में जाकर सो जाते हैं। भगवान विष्णु चार महीने के लिए कहाँ सो जाते हैं? क्षीर सागर में जाकर सो जाते हैं, ठीक है। और अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं किसकी? वामन अवतार की, ठीक है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की जो पूजा होती है उनके अपन चर्चा करेंगे। देखिए अब पांचवा त्यौहार है वामन पूजा। और वामन पूजा कब होती है? तो अपन कह सकते हैं शुक्ल पक्ष की द्वादशी या बारस को, शुक्ल पक्ष की द्वादशी या बारस को, ठीक है। और इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है, भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है, ठीक है। और अब अपन एक लास्ट त्यौहार लेते हैं, कौन सा वाला लास्ट त्यौहार है? गुरु पूर्णिमा के दिन आपको पता है गुरु की पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा जो कि कब आती है? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन। और इसी पूर्णिमा को अपन व्यास पूर्णिमा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसी पूर्णिमा को अपन व्यास पूर्णिमा भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस दिन किसकी पूजा होती है? तो इस दिन पूजा होती है गुरु की पूजा, ठीक है। तो दोस्तों अपन ने कौन से महीने तक पढ़ लिया है? आषाढ़ महीने तक, ठीक है। सबसे पहले अपन ने चैत्र महीने की बात की थी, चैत्र महीने की ट्रिक अपन ने क्या देखी थी? शीतल घोड़े की दशा रंग से घनी खराब हो गई, अशोक राम भक्त हनुमान को बुला लाया, ठीक है। इस माध्यम से अपन पूरे चैत्र महीने के त्यौहार देख लेंगे। और वैशाख में नशे से बुद्धि क्षय होती है, नशे से नरसिंह जयंती, बुद्धि से बुद्ध पूर्णिमा, क्षय से होगी आखातीज या अक्षय तृतीया, ठीक है। और फिर अपन ने ज्येष्ठ महीने में देखा था, ज्येष्ठ में बड़ली गंगा निर्लज हो गई, ये ट्रिक थी अपने ज्येष्ठ महीने की। ज्येष्ठ के बाद अपन ने आषाढ़ महीना देखा, जिसमें अपन ने आषाढ़ में देखा 11 योगी रथ में बढ़ गया, सोये वामन देव गुरु उठे, ठीक है। और अब अपन चर्चा करेंगे किसकी, कौन से महीने की चर्चा करेंगे? अगला महीना आएगा अपना पांचवा महीना आएगा जिसका नाम है श्रावण महीना। और श्रावण महीना आएगा जुलाई से लेकर अगस्त तक आएगा श्रावण महीना। और इसको भी अपन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए ट्रिक क्या रहेगी अपनी,
देखिए इसमें लिख रखा है वत्स नाग से नी डरे हरि तीज की रक्षा करे। वत्स नाग से नी डरे हरि तीज की रक्षा करे। ये ट्रिक किसकी है? अपन कह सकते हैं किसकी? श्रावण महीने की। ठीक है, आसानी से याद हो सकती है। वत्स है जो कि नाग से नहीं डर रहा है और हरि तीज की क्या कर रहा है? रक्षा। हरि किसकी रक्षा कर रहा है? तीज की रक्षा कर रहा है। इसके माध्यम से अपन किसके त्योहारों की चर्चा करेंगे? श्रावण महीने की चर्चा करेंगे। देखिए वत्स से आपको याद रखना है, अपन मनाएंगे वत्स चतुर्थी। कौन सा त्योहार मनाएंगे? वत्स चतुर्थी। और वत्स चतुर्थी कब बनाएंगे? तो अपन कह सकते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। कब बनाएंगे? कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। ठीक है, और इस दिन अपन गाय व गाय के बछड़ी की क्या करेंगे? पूजा। ठीक है, वत्स से वत्स चतुर्थी के दिन अपन क्या करेंगे? गाय और बछड़ी की क्या करेंगे? पूजा करेंगे। ठीक है, नाग से आपको याद रखना है नाग पंचमी। ठीक है, और नाग पंचमी कब बनाई जाती है? तो इस दिन नाग की पूजा होती है। कृष्ण पक्ष की जो पंचमी होती है इस दिन क्या बनाते हैं अपन? नाग पंचमी। याद रखना कई जगह शुक्ल पंचमी के दिन भी अपन नाग पंचमी मनाते हैं, लेकिन अधिकांशतः कृष्ण पंचमी के दिन क्या मनाते हैं? नाग पंचमी। और नाग पंचमी के दिन आपको याद रखना है जोधपुर में मेला भी बढ़ता है नाग पंचमी का। और निडरे से आपको याद रखना है इस दिन निडरी नवमी, निडरी नवमी मनाते हैं अपन, निडरी नवमी। ठीक है, निडरी नवमी मनाते हैं। और कब मनाते हैं? तो अपन कह सकते हैं कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन। कब मनाते हैं? कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन। देखिए वत्स चतुर्थी कब मना रहे हैं अपन? कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन। ठीक है, नाग पंचमी कब मना रहे हैं? कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन। निडरी नवमी इस दिन किसकी पूजा होती है? नेवले की पूजा होती है। ठीक है, सांपों के आक्रमण से बचने के लिए हम किसकी पूजा करते हैं? नेवले की पूजा करते हैं, जो निडरी नवमी कहलाती है। और ये कब आती है? तो अपन कह सकते हैं श्रावण कृष्ण नवमी के दिन। ठीक है, और फिर अपन कह सकते हैं किसके बारे में? फिर अपन कह सकते हैं हरि से क्या होगा? तो आपको पता ही होगा हाल ही में एक त्योहार निकला है जिसे अपन कहते हैं हरियाली अमावस। हरियाली अमावस, और हरियाली अमावस कब आती है? तो श्रावण अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हरियाली अमावस। ठीक है, ये बहुत ही घूमने का त्यौहार है जिसमें अपन विभिन्न जगहों पर घूमने जाते हैं। ठीक है, और तीज से आपको याद रखना है छोटी तीज। तीज से कौन सा त्यौहार आएगा? छोटी तीज। ठीक है, बड़ी तीज या सातोड़ी तीज आएगी कब? भाद्रपद महीने में, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आएगी। और ये कौन सी आएगी? छोटी तीज। और छोटी तीज कब आएगी? शुक्ल पक्ष। देखिए अमावस के बाद शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा, यहीं से अपना कौन सा पक्ष चालू होगा? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की जो तीज होगी इस दिन छोटी तीज मनाई जाती है। और आप सभी को पता है कि छोटी तीज से अपन क्या मनाते हैं? त्योहारों का आगमन होता है। छोटी तीज से क्या होता है? त्योहारों का आगमन। अपन ने पहले वो कहावत देखी थी, तीज त्योहारा बावली ले डूबी गणगौर। ठीक है, तो त्योहारों का आगमन माना जाता है छोटी तीज से, और त्योहारों का समापन माना जाता है कहाँ पर? गणगौर से माना जाता है। ठीक है, और तीज के बाद एक लास्ट आ रहा है रक्षा। और आप सभी को पता है सबसे भाई बहन का सबसे पवित्र त्यौहार होता है वो कौन सा? रक्षाबंधन। कौन सा त्यौहार आ रहा है? रक्षाबंधन। देखिए रक्षा से क्या बन जाएगा? रक्षाबंधन। और इस दिन अपन कह सकते हैं इस दिन संस्कृत दिवस भी मनाए जाते हैं, और इस दिन नारियल पूर्णिमा भी इसे कह सकते हैं। और रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। कौन सी पूर्णिमा की बात हो रही है? अपन श्रावण पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। देखिए पूर्णिमा को अपन एक साथ ले लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा के दिन मैंने आपको बताया था इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में बताया था जिस दिन होली मनाई जाती है। और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं जो रक्षाबंधन है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है किस, कौन सी पूर्णिमा को? श्रावण पूर्णिमा को। ठीक है, और अब इन त्योहारों को अपन एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन कौन सा त्यौहार लेते हैं? वत्स चतुर्थी। वत्स चतुर्थी, और वत्स चतुर्थी कब आती है? तो कृष्ण चतुर्थी के दिन। कृष्ण चतुर्थी के दिन आती है, और इस दिन क्या होता है? तो आपको याद रखना है गाय व बछड़े की पूजा होती है। गाय व बछड़े की क्या होती है? पूजा।
ठीक है। फिर अपन कौन सा त्यौहार देख रहे हैं, नाग पंचमी। कौन सा त्यौहार आएगा अगला त्यौहार, नाग पंचमी, नाग पंचमी। नाग पंचमी कब मनाई जाती है तो अपन कह सकते हैं ये कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष की पंचमी। और महीना कौन सा चल रहा है तो अपन कह सकते हैं श्रावण महीना, ठीक है। नाग पंचमी के दिन अपन किसकी पूजा करते हैं तो आपको याद रखना है नाग पंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है, तो नाग की पूजा की जाती है। पहली बात तो यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि नाग पंचमी के दिन एक मेला लगता है, नाग पंचमी मेला, और वो मेला कहां लगता है तो अपन कह सकते हैं जोधपुर में लगता है। कहां लगता है वो, जोधपुर में। तीसरी बात अपन कह सकते हैं कि नाग पंचमी के दिन अपन गोबर के नाग, जो घर के जो द्वार होते हैं उस घर के द्वार पर गोबर के क्या बनाते हैं, नाग बनाते हैं। गोबर के क्या बनाते हैं, नाग बनाते हैं। और ये कब आता है, नाग पंचमी के दिन, ठीक है। कृष्ण पंचमी के दिन अपन नाग पंचमी मनाते हैं। और अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं किसकी, निडरी नवमी के दिन। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं अपन, निडरी नवमी। अब अपन चर्चा कर रहे हैं निडरी नवमी, निडरी नवमी की चर्चा करने जा रहे हैं। और निडरी नवमी कब मनाई जाती है तो अपन कह सकते हैं कृष्ण नवमी। और इस दिन अपन क्या करेंगे कि सांपों के आक्रमण से बचने के लिए, सांपों के आक्रमण से बचने के लिए किसकी पूजा होती है तो अपन कह सकते हैं नेवले की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, नेवले की पूजा, बचने के लिए नेवले की पूजा, ठीक है। और अब त्यौहार आएगा कौन सा अपन कह सकते हैं, देखिए सबसे पहले अपन ने कौन सा त्यौहार देखा, एक मिनट वापस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने त्यौहार देखा वत्स चतुर्थी, ठीक है। उसके बाद अपन ने नाग पंचमी देखा, उसके बाद अपन ने देखा निडरी नवमी, और अब अपन लेते हैं कौन सी, हरियाली अमावस। कौन सा त्यौहार लेते हैं, एक मिनट इसको देखिए, अब अपन लेते हैं हरियाली अमावस। चौथा त्यौहार आएगा हरियाली अमावस। और हरियाली अमावस कब मनाई जाती है तो अपन कह सकते हैं श्रावण अमावस्या को। कब मनाई जाती है, श्रावण अमावस को, ठीक है। और इस दिन क्या क्या हुआ इसके बारे में देखते हैं। एक तो इस दिन कह सकते हैं इस दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई, ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड, ठीक है। आप ऊपरमाल पंच बोर्ड के बारे में राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उस पर वहाँ पर चर्चा करेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन जब आएगा तब वहाँ पर ऊपरमाल पंच बोर्ड की चर्चा होगी। और ऊपरमाल पंच बोर्ड जो स्थापना हुई है वो कब हुई है तो हरियाली मावस को, ठीक है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये दिन कौन सा होता है हरियाली मावस का, घूमने का दिन। कौन सा दिन होता है, घूमने का दिन, घूमने का दिन, ठीक है। फिर अपन कह सकते हैं तीसरी बात, इस दिन मेला भरता है कहाँ पर, तो इस दिन मेला भरता है हरियाली मावस को, एक तो मेला भरता है बूढ़ा जोहड़ मेला, बूढ़ा जोहड़, बूढ़ा जोहड़ मेला भरता है। और ये बूढ़ा जोहड़ मेला कहाँ भरता है तो अपन कह सकते हैं श्री गंगानगर में, ठीक है, श्री गंगानगर में। एक तो मेला बढ़ता है बूढ़ा जोहड़ मेला जो कि कहाँ बढ़ता है, श्री गंगानगर में। और एक और मेला बढ़ता है जो अपन कह सकते हैं इस दिन मेला बढ़ता है डिगीपुरी का राजा, डिगीपुरी के राजा जो कि टोंक में है, डिगीपुरी के राजा का मेला बढ़ता है। और ये कहाँ बढ़ता है तो टोंक में, कहाँ बढ़ता है टोंक में,
ठीक है। तो हरियाली माउस के बारे में अपन ने क्या क्या देखा, इस दिन किसकी स्थापना हुई, ऊपरमाड़ पंचबोर्ड की स्थापना हुई, ये घूमने का दिन है, और साथ ही साथ अपन कह सकते हैं इस दिन दो मेले भरते हैं, एक तो बूढ़ा जोर का मेला भरता है और दूसरी अपन कह सकते हैं डिगीपुरी के राजा का मेला भरता है, जो कि कहाँ भरता है, टोंक में। और एक लास्ट त्यौहार बचा है, कौन सा, पांचवा त्यौहार अपन कह सकते हैं, पांचवा त्यौहार, और वो त्यौहार है छोटी तीज। छोटी तीज, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि छोटी तीज कब मनाई जाती है, तो अपन कह सकते हैं छोटी तीज मनाई जाती है कब, तो छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण, श्रावण और श्रावण के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, और शुक्ल तृतीया को मनाते हैं, कब मनाते हैं, शुक्ल तृतीया। देखिए इस त्यौहार के बारे में आपको बता रखा है मैंने आपको पहले ही कि गणगौर और तीज जो त्यौहार है इनकी तुलना किससे की गई है, मिस्र के त्यौहारों से की गई है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि गणगौर और तीज त्यौहारों से पहले एक दिन पूर्व सिंजारा नामक पर्व मनाया जाता है, जिसके तहत पुत्रियों और पुत्र वधुओं के यहाँ कुछ उपहार और श्रृंगार सामग्री भेंट की जाती है, ठीक है। और छोटी तीज की बात करें तो ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और इसके बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि ये एकमात्र त्यौहार है जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अभिलेखों में मिलता है, और कौन से अभिलेख में, सुंधा अभिलेख, कौन सा अभिलेख है, सुंधा अभिलेख, अभिलेखों की अपन चर्चा करेंगे, सुंधा अभिलेख, सुंधा अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है। एकमात्र त्यौहार है जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है, सुंधा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, छोटी तीज या तीज माता की सवारी निकाली जाती है इस दिन, तीज माता की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो अपन कह सकते हैं तीज माता की सवारी निकाली जाती है कहाँ पर, जयपुर में। तीज माता की सवारी कहाँ निकाली जाती है, जयपुर में। आपको याद रखना है इसके बाद अपन श्रावण महीने के बाद अपन भाद्रपद महीने के बारे में पढ़ेंगे, और भाद्रपद महीने में एक बड़ी तीज आएगी, और बड़ी तीज जिसको अपन कजली तीज भी कहते हैं, और कजली तीज जो सवारी निकाली जाती है कजली तीज की, वो बूंदी में निकाली जाती है, जबकि अपन छोटी तीज के दिन तीज माता की जो सवारी निकाली जाती है वो कहाँ निकाली जाती है, तो अपन कह सकते हैं तीज माता की जो सवारी निकाली जाती है कहाँ पर, जयपुर में निकाली जाती है, ठीक है। और अब इसके बारे में मैंने मिश्र के त्यौहारों की चर्चा कर दी, और मैंने आपको बता दिया कि इस त्यौहार से त्योहारों का आगमन माना जाता है, त्योहारों का आगमन माना जाता है, त्योहारों का आगमन, ठीक है। और एक लास्ट त्योहार की चर्चा करते हैं आज, जिसका नाम है रक्षाबंधन, कौन सा त्योहार है, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन को अपन कह सकते हैं इस दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, और संस्कृत दिवस के अलावा इस दिन अपन कह सकते हैं रक्षाबंधन मनाया जाता है, संस्कृत दिवस मनाया जाता है, और संस्कृत दिवस के अलावा इस दिन क्या मनाया जाता है, इस दिन नारियल पूर्णिमा भी मनाई जाती है, क्योंकि नारियल पूर्णिमा, ठीक है, इसे नारियल पूर्णिमा भी कह सकते हैं। और ये कब आता है, तो ये आता है श्रावण पूर्णिमा को, कब आता है ये, श्रावण महीने की पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, ठीक है। और आप सभी को पता है कि भाई बहन या रक्षाबंधन जो है वो किसका त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार, ठीक है। तो दोस्तों आज अपन ने चर्चा की है वैशाख महीना, ज्येष्ठ महीना, आषाढ़ महीना और श्रावण महीना, ठीक है। इन चारों को ट्रिकों के माध्यम से मैंने आपको बताया है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो त्यौहार नामक जो टॉपिक है इसमें मैक्सिमम चांस में जो प्रश्न बनते हैं वो सीधा यही बनता है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, ठीक है, जिसको आप ट्रिकों के माध्यम से आसानी से प्रैक्टिस करके याद कर सकते हो। आप चाहो तो इसके अच्छे से नोट्स बना सकते हो, मैं आपको नोट्स फॉर्मेट में ही इसको लिखवा रहा हूँ, ताकि आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको शेयर करें। बाकी की चर्चा अपन करेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।